हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ फ़िश फ्राई की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ये जो फ़िश मैंने ली है, ये हलवा फ़िश जो होता है उसे लिया है। तो चलिए हम रेसिपी को देख लेते हैं। यहाँ पर 1 kg हलवा फ़िश मैंने ले ली है इस तरह से, और इसे अच्छी तरह से क्लीन कर लिया है। इसमें कुछ भी ब्लड वगैरह नहीं है, आप देख सकते हो। मैं आपको पास से भी दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर मैं 1 tablespoon लेमन जूस ऐड किया है मैंने इसमें। साथ ही में हम इसमें हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे। आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी ऐड कर सकते हो। इसमें मैंने 1.5 teaspoon ऐड किया है रेड चिली पाउडर। साथ ही में हम इसमें धनिया पाउडर ऐड करेंगे, थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर भी ऐड करेंगे, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। सॉल्ट जो है आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर देना, और इन्हें मिक्स करेंगे। और साथ ही में हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट भी ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट ले लिया है, और इसे अच्छी तरह से हम दोनों साइड्स पे रब कर लेंगे। अच्छी तरह से हमें कोटिंग कर लेनी है हमारे मसालों की। तो यहाँ पर मैंने कर लिया, आप देख सकते हो पास से भी, ये अच्छी तरह से कोट हो गए। तो अभी हम इसे 10 minutes के लिए रखेंगे। ज़्यादा टाइम रखने की ज़रूरत नहीं है, 10 minutes के लिए सिर्फ रखेंगे साइड में। तो यहाँ पर मैंने 2 cup राइस फ्लार लिया है, चावल का आटा। इससे फ़िश बहुत अच्छी बनेगी। इसकी जगह आप सूजी भी ले सकते हो अगर आपके पास चावल का आटा ना हो। तो इसमें हम थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करेंगे, और यहाँ पर मैंने 1/2 teaspoon के करीब ब्लैक पेपर ऐड किया है, कश्मीरी रेड चिली पाउडर ऐड किया है। इससे कलर बहुत अच्छा आता है, कोई भी आर्टिफिशियल कलर हम ऐड नहीं करेंगे। और इसे अच्छी तरह से एक बार मिक्स कर लेंगे, और इसी तरह से हम चावलों की जो आटे की कोटिंग है वो अच्छे से फ़िश के ऊपर लगा देंगे। इस तरह से आप देखते जाइए, ये रेडी हो गया है। तो यहाँ पे मैंने एक पैन ले लिया है, थोड़ा सा ऑयल डाला है। इसमें अभी हम फ़िश को ऐड करेंगे और फ्राई कर लेंगे दोनों साइड से। तो इसमें मैंने एक एक करके फ़िश को ऐड कर दिया है, कि देखिए। बहुत ज़्यादा ऑयल भी आपको डालने की ज़रूरत नहीं है, मैंने लेस ऑयल में ही इसे फ्राई किया, और ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनी थी। तो हम दोनों साइड से इसे 3 से 4 minutes कुक कर लेंगे इसी तरह से, और साइड को चेंज कर लेंगे। आप देख सकते हो कि फ़िश कितनी क्रिस्पी भी दिख रही है, और अंदर से प्रॉपर कुक भी हुई है। तो हम सारी हमारी जो फ़िश है इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। मैं पास से भी दिखा देती हूँ, ये अच्छी तरह से कुक हो चुकी है, ये देखिए। तो यहाँ पर हम इसकी प्लेटिंग कर लेंगे, और मैं आपको इसे तोड़ के भी बताती हूँ पास से। तो ये देखिए, बहुत ज़्यादा टेस्टी और अच्छी बनी थी। तो अगर आप इस तरीके से बनाओगे तो आपकी फ़िश बहुत ज़्यादा अच्छे से बनेगी, प्रॉपर कुक है अंदर से, और ऊपर से उतनी ज़्यादा क्रिस्पी और खाने में भी टेस्टी है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। और वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।